Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Chaliye bachcho, to let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, an aerostat of mass m starts coming down with a constant acceleration w. Determine the ballast mass to be dumped for the aerostat to reach the upward acceleration of the same magnitude. The air drag is to be neglected. तो देखिए बच्चों, एक एरोस्टैट ये होता है ना, इसकी बेसिकली खासियत ये होती है कि इसकी जो डेंसिटी है वो एयर से भी कम होती है और यहाँ पर पॉइंट फोर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं, एरोस्टैट का जो मास है वो हमारे को दे रखा है कितना, वो हमारे को एम दे रखा है। और अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर इस तरीके के चेंजेस लाए गए सच दैट कि क्या बोल रखा है कि इस समय ये नीचे आ रहा है विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन W, है ना। यहाँ पर मासेस को इस तरीके से एडजस्ट किया गया सच दैट ये नीचे आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन W, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितने मास को हटाना होगा इससे सच दैट कि ये जो एरोस्टैट है ना, ये इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन इसके पास एक अपवर्ड एक्सेलरेशन आ जाए ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर मैं इनिशियली, है ना, इनिशियल केस के लिए अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या क्या चीजें शो करूंगा। एक तो मैं नीचे की तरफ इस पर शो करूंगा mg फोर्स, इसके अलावा ऊपर मैं कौन सा फोर्स शो करूंगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, है ना। तो इस वजह से क्या हो रखा है, इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन mg माइनस fb इज इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस पे आ जाते हैं। तो ये बच्चों सेकेंड केस है ना, मतलब कि फाइनली क्या होने वाला है। फाइनली जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि अब जो है इसके मास को कम करना है ना, तो मास को कम कर दिए तो अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो इस पर कितना लगेगा, एम माइनस डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। लेकिन शेप तो वही रहा, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी अभी भी उतना ही लगेगा। लेकिन अब हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड अपवर्ड हो जाए। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो FB माइनस M माइनस डेल्टा M इनटू G, ये किसके बराबर हो जाएगा, M माइनस डेल्टा M इनटू एक्सेलरेशन जो कि W है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो दो इक्वेशंस आ गई है। अब इन्हें हमें सॉल्व करके हमें फाइनली डेल्टा M की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखिए FB कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg माइनस माइनस प्लस डेल्टा mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू डब्ल्यू प्लस स्मॉल m इंटू डब्ल्यू माइनस डेल्टा m इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास mg से ये वाला mg भी कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा mg प्लस डेल्टा एम इंटू डब्ल्यू, है ना। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एम इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ एम इंटू डब्ल्यू। तो यहां से फाइनली देखिए हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ गई और वो कितनी आ गई, टू एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा डब्ल्यू प्लस जी, है ना। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर बच्चों कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।